हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है कभी कभी हो जाता है, मतलब मैं रात भर थोड़ा एडिटिंग का काम चल रहा था तो उसके वजह से बात करना है, एडिटिंग है तेरे लिए। यार मम्मी चुप हो जाओ ना, क्या है। हाँ तो गुड आफ्टरनून, और मैं थोड़ा सा रात में काम कर रहा था जिसके वजह से थोड़ा सा लेट उठा। वैसे जल्दी उठना चाहिए, हमेशा जल्दी उठना सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं सीधा बोल ले, सब झूठ बोलेगा, भगवान से डर ले। तो गुड, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मतलब मैंने बहुत लोग देखे जो अपना टाइम ना बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब दिन भर बस सोते हैं और कुछ काम नहीं करते, बस अपनी मतलब अपनी लाइफ पता नहीं कैसे जी रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अपनी कहानी क्यों सुनाने लग रहा है इनको? कोई नहीं, माँ का प्यार है, सबकी माँ करती है, बहुत ज्यादा करती है, मेरी भी माँ करती है। तो मतलब हम बात कर रहे थे, मतलब जो अपना वक्त वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, टाइम जो बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, वो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। अपने टाइम को यूज करो, और मतलब इस चीज को ना दिमाग में रखो कि एक बार जो वक्त बीत जाता है ना दोबारा वापस नहीं आता। तो अपने वक्त को ना मतलब ऐसा वेस्ट मत करो कि कल तुम्हें सोचना पड़े कि मैं ये कर सकता था बट मैंने सो के या फिर मैसेजिंग या इस सब चीजों में टाइम वेस्ट करा। ये सब चीजें बिल्कुल ठीक नहीं हमारी लाइफ के लिए। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे एक चीज सबसे ज्यादा बेकार है, मतलब कबीर जी अपने दोहे में कह चुके हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मतलब ये चीज अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि कभी भी कोई चीज, कोई भी चीज हो, उसको ना कल पे मत डालो, आज करो, अभी करो, इसी वक्त करो। क्योंकि कल करते करते वो कल पता नहीं, वो कल आता ही नहीं, और वो मतलब चीज वेस्ट हो जाती है, और वो वक्त ना वैसे नहीं रह पाता। और रघु जरा ये पानी का बिल भरिया है? अरे पापा कल भर दूंगा ना, अभी ये भी कल करियो साले।